लगता है कि जिस तरीके दी पॉलिटिक्स कांग्रेस सरकार वालों कांग्रेस दे सीनियर आगू साहिबाना वालों साडे महान तख्त तख्त श्री हजूर साहब बारे और जो उत्थों सरबत दे भले दी अरदास करके मुड़िया संगत बारे जिस तरीके दी टिप्पणी की जा रही है वो कदे बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। पहला भी कांग्रेस पार्टी ने यह जी कोजी राजनीति नू शह दित्ती सी और सारिया नू पता है कि श्री अकाल तख्त साहब नू भी उस समय बड़े तरीके नाल टिप्पणियां कर करके उत्थे भी अटैक कराया सी और अज भी उही शब्दावली अपनी नाकामी नू लुकाउण वास्ते मौजूदा सरकार उहो जे हथकंडे अपना रही है। श्री अकाल तख्त साहब श्री हजूर साहब का तख्त गुरसिखां वास्ते महान तख्त है। उत्थों साढ़े दसवें पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरगद्दी बख्शदिआं यह हुक्म जारी किया सी आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसलिए किसी तरीके की भी गंदी राजनीति कांग्रेस वालों या उहदे वजीरां वालों या उहदे मैंबर पार्लीमेंटां वालों गुरु नानक नाम लेवा संगत कदे भी बर्दाश्त नहीं करूँ। और मैं गल्लां क्यों कर रहा हां, देखो हर स्टेट की और हर मुल्क की अपने लोगों प्रति वड्डी जिम्मेवारी बनती और आप वेख भी रहे हैं कि जदों फ्लाइट्स बैन ने मगर अमेरिका वर्गे मुल्क या यूरोप के मुल्क जिथे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती बढ़ी है मगर फिर भी अपने नागरिकों प्रति जिम्मेवारी समझद्या अपने लोगों नू वापस ले जाने वास्ते स्पैशल फ्लाइट्स भेज रहे हैं। और यही कुछ आपां अपने देश च भी वेख्या कि लखां लोग यूपी ते बिहार मुड़े आ ते हुण ट्रेना भी जारी हो या कहण दा भाव कि सूबे की जिम्मेवारी बनती है। हर बंदा अपने घर मुड़ना चाहुंदा जे किसी के मापे किसी होर जगह फसे है बच्चे चाहुंदे हो वापस आ जाण जे किसी के बच्चे कित्थे फसे ते मापे चाहुंदे हो वापस आ जाण मगर जे कोई वापस आवे और कमी पेशी पंजाब सरकार की होवे और जिम्मेवारी किसी होर ते फिक्स करती जाए पहला भी होया असी थोड़ा चुप रहे मगर हुण तां बर्दाश्त तो बाहर हो गया कि जदों पहला तां कहता गया जी कि NRI एक करोना बंब ने। पहला तक NRI कांग्रेस पार्टी नूं बड़े चंगे लगते सी इह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आप बाहर जाके उत्थे गल करके आउंदे सन कि जी साडी मदद करो साडी सपोर्ट ते आओ और फिर उन्हां नूं अज जे इस जिम्मेवारी निभाउण दी गल आई ते कहता नहीं जी इह तां करोना बंब ने। अज उही हरकत आ पहला बयान आया बलबीर सिद्धू दा और मैं कहण तो गुरेज नहीं करूंगा इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर अनपढ़ मिनिस्टर जीते बड़े सीरियस आरोप पहला भी लगे हैं मगर चलो मैं वो गल्ला करना नहीं चाहता तुम सारे जानते हो कि उन्होंने खिलाफ केड़े आरोप विधानसभा के जलस जलास वेले भी लगे सी और उन्होंने केड़ी कारगुजारी पहला भी अज हेल्थ मिनिस्टर कहे जी रही है। इन्होंने की कहता हजूर साहब के श्रद्धालुओं ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। थोड़ी कादी मेहनत है मैं पूछना चाहता जिहे जी एम्बूलेंस थोड़े हजूर साहब तो जिहड़ी संगत परती सी सुर सिंह जिहड़ी थोड़ी एम्बूलेंस गई सी लैण लोगों ने मैं लगता सारी दुनिया च ओह जी एम्बूलेंस नहीं वेखण नूं मिली और जिन्नी थू थू उदों होई आ कि ड्राइवर तक नहीं सी मौजूद एम्बूलेंस च डाक्टर नूं लैके जानी पई और किलो किलो की 10-10 किलो मिट्ट उहदे चों कढ़िया गया।
यह जे हालात हेल्थ महकमे की पोल डाक्टर ने नर्सा ने मेडिकल स्टाफ ने सब ने उन्हां दी पोल खोली है कि पीपी किट्स पहला तो आईया नहीं जे आईया केड़ी क्वालिटी दी आई डाक्टर और नर्सा ने उन्हां नूं पाउण तो मना करता और ये जिलेवार इस गल का रौला पिया। इसलिए मेरा कहने का भाव है कि किथे एक कमी पेशी नहीं भाई निर्मल सिंह जी दे परिवार की ऑडियो लीक हुई उस ऑडियो ने भाई निर्मल सिंह जी दे परिवार दे उस ऑडियो च बड़ा स्पष्ट हेल्थ महकमे की पोल खोलन का काम किया। फिर एसीपी कोहली साहब का जिहड़ा उन्हां दा और हुण आ इसे तरह महेंद्रू जी बेबिका देविका महेंद्रू जी जिहड़े अमृतसर च माइक्रोबायोलॉजिस्ट सन उन्हां दे परिवार ने। इसलिए मैं कि अनगिनत कहानियां ने मैं उहदे च बाद च जाऊँगा मगर आ वेखो देखो सच्चे पातशाह दे अपने ही रंग ने और जदों इन्होंने अपनी नाकामी नूं लुकाउण दी कोशिश कीती ये पर्दा फाश किसे होर ने नहीं कीता इन्हां दी कमी पेशियां दा पर्दा फाश साबका मुख्यमंत्री महाराष्ट्र दे पंजाब अपना महाराष्ट्र कांग्रेस दे प्रधान मौजूदा मंत्री अशोक चव्हाण जी जिहड़े नंदेड़ दे इंचार्ज भी ने जिले दे और नाल ही नवाब मलिक साहब जिहड़े सीनियर मिनिस्टर ने कांग्रेस कोलिशन पार्टनर दे दो सीनियर लीडर्स ने यह पर्दा फाश करता कल कि कमी पेशी महाराष्ट्र के लैवल से नहीं है कमी पेशी पंजाब के लैवल से है। भावें आ हेल्थ मिनिस्टर जिन्हों मैं कह सकता पंजाब के लोग कह रहे हैं ऑपोजिशन की पार्टी ये कहने से गुरेज नहीं करूगी कि इनकॉम्पिटेंट एंड नलायक जिन्हों सबजैक्ट की समझ ही कोई नहीं जिन्हों होर चीज़ा की समझ हो सकती है मगर इस गल च फेल होया। वो की कह रहे सी देवर अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स ऑब्जरवेशन इट वॉज देयर ड्यूटी टू इंप्लीमेंट सेंटर्स गाइडलाइनस देयर सैंपलिंग एंड टेस्टिंग शुड हैव बीन डन देयर हैड दे टोल्ड अस इट हैजंट बीन डन वी वुड हैव सेंट टू टीम्स देयर पंजाब हेल्थ मिनिस्टर ऑन स्टेट्स पिलग्रिम्स हू रिटर्न फ्रॉम नंदेड़। हुण मैं पूछना चाहुंदा उन्होंने तो कहता महाराष्ट्र सरकार कि थोड़ी जिम्मेवारी सी ICMR की गाइडलाइन फॉलो करनी तो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर साहब मैं थोनू पूछना चाहुंदा थोड़ी कोई जिम्मेवारी है कि कोई नहीं थोड़ी जिम्मेवारी किसी तुसी ब्लेम गेम तो सब ते ला दोगे तो आप अज आप की जिम्मेवारी तो रहत होने की कोशिश करूँगा। मैं हम अगली गल कर दिया ICMR की बड़ी क्लीयर गाइडलाइनस ने जिहड़ी स्पष्ट कहिंदियां ने देखो पंजाब च और बाकी सूबे च भी लोग गए है मगर एक ICMR की गाइडलाइन जब फॉलो हुई है तो उसका रिजल्ट बैटर रहा। की गाइडलाइनस की कहिंदियां सी आ गाइडलाइनस है एयर कंडीशनर का वरतो जे होगा तो करोना का स्प्रैड बहुत तेजी नाल बहुत ज़्यादा हो सकता और यही गल महाराष्ट्र की सरकार कह रही है। अज मैं पूछना भी चाहना एक महीना तो 15 दिन के नेड़े तेड़े ये श्रद्धालु महाराष्ट्र च रहे हैं जे किसी नूं करोना हुंदा यार 10 दिन च सिम्पटम्स आ जाते 15 दिन च 20 दिन च जे सिवियर अटैक हो जाए करोना का आप बोरिस जॉनसन के केस च वेख लिया यूके के प्राइम मिनिस्टर च जिन्हों एडमिट होना पाया हॉस्पिटल की उन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ पैगी जिहड़ा सवा महीना उत्थे रह गया होवे उन्हों उत्थे कोई सिम्पटम्स नहीं आए कदे ऑक्सीजन की लोड़ नहीं पई भजे फिरते रहे ये गल इस गल की पुष्टि है कि उत्थे वो करोना पॉजिटिव नहीं सन और ये गल दी उन्हां दी जो एक बारी नहीं 3-3 बारी चैक और उत्थों तक हजूर साहब वालों और बाबा बलविंदर सिंह जी वालों बाबा नरेंद्र सिंह जी वालों और गुरु की सिख संगतां वालों जिस गल की पुष्टि की गई मगर पंजाब सरकार कवे मैं ना मानूं। हुण मैं लापरवाहियां की गल कर दिया
देखो 1600 दे नेड़े राजस्थान तो भी लेबर भी मुड़ी है, स्टूडेंट्स दे नेड़े तेड़े लाओ तो 2000 दे नेड़े तेड़े लोग मुड़े है। चेक कर लियो जी उन्हां चे कोरोना पॉजिटिव केस क्यों नहीं आ रहे। और उहदा वड्डा कारण यह है जो मैं डॉक्टर साहिबाना नाल गल कीती है, उहदे दो वड्डे कारण यह भी ने कि उत्थे एसी बसा नहीं भेजियां, उत्थे नॉर्मल जे गईयां भी सी बसा नॉर्मल गईयां सी। और यूपी बिहार ने भी जब स्टूडेंट्स या अपने लोग वापस मंगाए है तो एसी च नहीं नॉन एसी च। कहण दा भाव ICMR दी गाइडलाइनस क्लीयरली स्टेट कि जे तुसी एसी वरतना भी है, पहली गल वरतो ना, जे वरतना भी है तो टेंपरेचर जेड़ा मेनटेन होना चाहिए 24 से 30 डिग्री, तो वेंटिलेशन होनी चाहिए, बंद खिड़किया वाली नहीं जगह होनी चाहिए। और ये बसा जिन्हिया गई तो खिड़कियां खुल दिया ही नहीं सन। और ड्राइवर साहबान आप कह रहे हैं कि जेड़ा टेंपरेचर मेनटेन होया 21 डिग्री टेंपरेचर मेनटेन किया, धज्जियां तो तुम उड़ाती। फिर दूजी गल 3500 श्रद्धालु आया और 3500 श्रद्धालु लिए इन्होंने 80 बसा भेजिया, लायो जरा हिसाब की बनता है। सीटा किनिया एक वॉल्वो बस च 40 से 42 सीटा। और इतों खजाना मंत्री साहब तो कई ने छरी चंडी विखाई बसा न, कहते जी आली शान एसी बसा भेजिया नाल जिप्सी जाऊ, पुलिस वाले जाएंगे एस्कॉर्ट करते आएंगे। पुलिस वालों की लोड़ सी कि डॉक्टर की लोड़ सी? जिदी लोड़ सी वह भेजे नहीं, पुलिस वाले भेजते, उन्होंने भी जान खतरे च पाती। और जेडे ड्राइवर भेजे, जेड़ी गल आ कैप्टन साहब की अपनी ट्वीट है, आ मैं सारिया ट्वीटा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की विखाउन लग्या। आप पहली वो ट्वीट करते हैं जी महाराष्ट्र CM नू, ये हैगी जी तरीक ये 21 अप्रैल, और की कहिंदे आ कि असी कह रहे हैं कि साड़ी संगत नू, मैं एग्जैक्ट पढ़ते हैं कि थोड़े को ले ट्वीट्स है, मैं कल्ला दे ही देवां कॉपी दे देंगे। उहदे च बेसिकली उन्होंने कहा कि साड़ी संगत वापस भेजो। फिर अगली देर ये पहली 21 अप्रैल, दूजी आ गई अपना 23 अप्रैल, फिर वाप अगे लिखते हैं अशोक गहलोत नू कि तैयारी कर लियो, साढ़े कोई 3000 उतों यात्रु वापस आ रहे हैं, श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। फिर 24 अप्रैल किनू लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, आई स्पोक टू महाराष्ट्र CM एंड कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चव्हाण टूडे टू इंश्योर द पिलग्रिम्स ऑफ हजूर साहब नंदेड़ डू नॉट फेस एनी इशूज सेंडिंग पंजाब गवर्नमेंट बसिस टूमोरो टू नंदेड़। ए ट्वीट कर दिया। और उ जिदू इन्होंने ट्वीट किया, जिदी ड्यूटी लाई, उ अशोक चव्हाण जी इन्हों दलों का पर्दा पाश कर रहे हैं कि जेडे नंदेड़ च भी हूँ 20 पॉजिटिव आए है, वह कारण वह की दस रहे हैं कि जेडे ड्राइवर इतों गए सन उन्हों का कहें ना इन्होंने टैसट करके भेजा सी, कुछ भेजा सी, वो इतने रहे हैं। और क्योंकि पहला उत्थे 3500 श्रद्धालु बड़े सुखी तरीके नाल रह रहा सी, कोई सिम्टम नहीं सी, मगर ये जब लोग पंजाब तो आए, जो बसा आईया, जो ड्राइवर गए विदाउट चैक गए, उन्हां करके अज साडे उत्थे 20-20 पॉजिटिव केसेस आ रहे। मतलब कहण दा भाव कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पंजाब सरकार नूं कोरोना दे स्प्रैड लई जिम्मेवार ठहरा रही। और किथे ना किथे एक गल च अशोक चव्हाण जी सही है कि सवा महीना जिहड़ा उत्थे रहा होवे, जे उन्हूं कोरोना हुंदा ते हॉस्पिटल दाखिल कराउणा पैंदा, और उत्थे दाखिल नहीं होए। कल्ला दो बंदे नंदेड़ दे ये सारे इंसीडेंट तो पहलां पॉजिटिव गिने जांदे सी, जिन्हां दा तुहानूं सब नूं पता है हुवर नॉट सिख श्रद्धालु। अगली गल ये लास्ट ट्वीट जिथों मैं कह रहा कि मौजूदा हैल्थ मिनिस्टर कोई लफ्ज वरत लो, लफ्ज छोटा रह जूगा, ना समझ, बेवकूफ, इलिटरेट, कि जेड़े ये कह रहे हैं 27 तरीक की उन्हां दी चिट्ठी है टू ऑल डेप्टी कमिश्नर्स पंजाब सिविल सर्जन जिहड़ी इन्होंने कढ़ी कि तुसीं सारे जिन्हें भी हजूर साहब तो वापस आउणगे उन्हां नूं हुण क्वारंटीन करियो। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ट्वीट च 26 अप्रैल 27 की चिट्ठी है, 26 अप्रैल मन चुके सन
A quick update from Hazur Sahib Namded. 219 pilgrims have already reached their homes and another 643 will reach Punjab starting tonight. आप ही मान गए कि हजार तक आप दे घरे पहुंच गए और वही चीजा का पर्दाफाश हौली हौली होया कि पहला लोगों नू घरे भेजता फिर घर तो उन्होंने धूके लैके आए और उथे लैके आए जेड़ा रोज वीडियो चल रही है कि संगत किन्नी अपसेट ते दुखी है जो उन्होंने हालात बनाए पे है। सात संगत जी जेड़े जिथे क्वारंटीन किया गया उथे ना सोशल डिस्टेंसिंग ना रोटी दे प्रबंध ना पानी दे प्रबंध ना बाथरूम दे प्रबंध छोटे छोटे बच्चे रात नू मच्छर लड़ते हैं मगर उत्थे किसी तरीके का प्रबंध नहीं। ये नाकामियां नलायकियां पंजाब सरकार अपनी किसी होर ते पाउण की कोशिश कर रही है। और वड्डी गल जिहड़ी मैं सोशल डिस्टेंसिंग की गल पहला भी कर रहा सी और वह गल फिर विच रह गई कि जिहड़ी बसा भी आईया वो 43 बंदे जे एवरेज लाओ 43-44 बंदे एक बस से मतलब कि एक सीट च जिथे एक बंदे नू बहना चाहिए सी। ICMR की गाइडलाइनस है कि 50% बसेज ऑक्यूपाइड आनी चाहिए मतलब ऑक्यूपेंसी सीट की 50% होनी चाहिए सी। इत्थे तां 3-3 बंदे एक सीट पर बह के आए तो सुभाविक सी सोशल डिस्टेंसिंग जी। बसा च भी धज्जियां उड़ाइया निकल के किहड़े रस्ते चो आईया बसा रेड जोन इंदौर ते कई होर थावां ते जिहड़ियां रेड जोन से सी हर तरीके की गाइडलाइनस की जे धज्जियां उड़ाइया गई ते पंजाब सरकार ते पंजाब सरकार की जिहड़ी हैल्थ महकमे उन्हां वल्लों हैल्थ मिनिस्टर की ये धज्जियां उड़ाइया गई। और इस गल का अज आ भी तुसीं पढ़िया ही होना अज एक होर खबर आ गई है। पहला कहता कोरोना वायरस पेशेंट नेमसेक हॉस्पिटलाइज्ड रिलीज्ड आफ्टर एन आर होर ही फड़ के लिया किसी नूं कोरोना पेशेंट के नाल दाखिल करता फिर कहता नहीं ये तो गलती हो गई। आही कुछ मैनू पता लग्या अज कई जिलों चो रिपोर्ट आ रही है कि पहला नैगेटिव करते तो फिर पॉजिटिव करते। और मैं एग्जाम्पल देन लग्या मेरे जानकार ने मैं उन्हों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मैनू रोकया जिमें भाई निर्मल सिंह जी के परिवार की ऑडियो जग जाहिर हुई सी जां कोहली साहब की हुई सी। यह परिवार है हजूर साहब तो आया है बुजुर्ग ने उन्होंने बच्चे ने छोटे छोटे बच्चे नाल पहला तो घर भेजता जी सबनों फिर अगले दिन पुलिस भेज के सारा टब्बर चुका लिया वापस लिया 27 रात को टेस्ट होया 28 जो टेस्ट होंगे पहला कहें जी थोड़े चो 3 पॉजिटिव है उन्होंने कहा 3 किवें हो सकते रहे तो सारे इकट्ठे है थोड़ी देर बाद कहें चंगा थोड़े तो 6 पॉजिटिव हो गए। फिर 6 पॉजिटिव से भी की क्या एक मदर है वह 10 महीने का न्याणा मदर नू पॉजिटिव करता हसबेंड नू पॉजिटिव करता न्याणे नू नैगेटिव करता वह जिहड़ा ग्रैंडफादर सी सरकारी जॉब ते ने उन्होंने कहा मैनू ये समझा दिओ सारा दिन बच्चा तो माँ नाल रहिंदा माँ रोटी खवाउंदी है माँ का दुध पींदा तो जे माँ पॉजिटिव आ गई तो न्याणा कितों नैगेटिव आ गया कहिंदे चंगा सानू अद्धा घंटा सोच लैण दो अद्धे घंटे बाद कहिंदे भी पॉजिटिव है ये तो हालात बने पे। फिर मैनू तो समझ नहीं आ रही लोगों का बनू की। इसलिए मैं जिहड़ी बेनती करदा आ बलबीर सिद्धू जी की मैं फोटो याद ही करा रहा बाकी वजीरां ने तो मौके पर पहुंचे हैल्थ मिनिस्टर मैं विज साहब की इस गल की सराहना करदा केरला का एग्जाम्पल बार बार कोट होंदा रिकवरी रेट केरला की और हरियाणे की 73-74% है पेशेंट की पंजाब की 15% उसका कारण की है कि उन्होंने वजीरा ने आपके घर के बार ये नहीं लिख के लाया सी जिस दिन 22 मार्च को ऐलान होया उन्होंने बाहर लिख के लाता कि साढ़े घर तो आवे कोई ना असी जाना ना आना तो सुभाविक है जब यह जहाँ इररिस्पोंसिबल थोड़ा एटीट्यूड होगा तो किने बर्दाश्त करना। और मैं अगली गल पर आ जा कि अज जिहड़ी हरकत गांधी परिवार ने शुरू कीतियां ने दिग्विजय सिंह फॉर्मर मध्य प्रदेश के CM ब्लू आइड बॉय एडवाइजर टू राहुल गांधी कल मेरे नाल औजला साहब डिबेट ते सन उन्होंने कहता जी कि ये जिम्मेवार ने ये सारे श्रद्धालु और मैं अज एक गल स्पष्ट कहना चाहना सानू साडे नंदेड़ साहब के भरावां भैन जिहड़े उत्थों मुड़ के आ साडे ने असी जिम्मेवारी उन्हां दी ओन करदे आ जे सरकार उन्हां दी सेवा संभाल तो भज रही है असी उन्हां दी सेवा संभाल करन नू तैयार। और कई NGOs
श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने एक बारी नहीं अनेक बारी कहता है कि जिन्हिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरावां दित्तियां ने सारे श्रद्धालु उत्थे भेजो उन्हां दी सेवा संभाल वह भी करनगे। और अज मैं कह रहा कि जे जिमें और मैं इस गल की सराहना करना चाहना कल मैं वीडियो वेखी भावें उन्होंने हेल्थ महकमे के कमी पेशियां का भी पर्दा फाश किया राणा गुरजीत जी ने और जिस जिम्मेवारी तहत उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार करदे होया ये कहा कि आई विल लुक आफ्टर द पेशेंट्स। मैं उन्होंने इस गल की कदर करता होया अज पंजाब दे हेल्थ मिनिस्टर नूं बेनती करदा कि सुते पए वजीर साहब जाग जाओ और काइंडली अपनी ड्यूटी नूं संभालदे होए एक एक पेशेंट एक एक डॉक्टर एक एक नर्स जिहड़े फ्रंटलाइन ते काम कर रहे आ उन्हां नाल संपर्क च आओ। और मैं अगली गल जिहड़ी कर रहा सी जिहड़ी रह गई कि दिग्विजय सिंह वल्लों ये ट्वीट करना कि दिग्विजय सिंह ने अज ट्वीट किया कोरोना वायरस सिख पिलग्रम्स पोस्ट फ्रेश कोविड 19 थ्रेट इन पंजाब एनी कंपैरिजन विद तबलीगी मरकज। इस तरीके की बयानबाजी कि अज जेडे श्रद्धालु ने जेडे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण परछ के मुड़े है उन्होंने किस तरीके दे नाल बदनाम करना जा इल्जाम लाना जा श्री तख्त हजूर साहब बारे किसी तरीके की माड़ी टिप्पणी किसी कांग्रेसी वालों होगी असी उसका सख्त विरोध करांगे और बर्दाश्त नहीं करांगे। थोड़े कोई सवाल जी सुखजिंदर सिंह रंधावा झूठा बंदा और सुखजिंदर सिंह रंधावे दे प्यो ने मैं कहना नहीं चाहुंदा सी जदों अकाल तख्त साहब ते भी हमला होया सी इंदिरा गांधी दे फैसले नूं सही ठहराया सी और ये उन्हां बंदिया चों है जिन्होंने विधानसभा च भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त साहब बारे बड़ी बारी गलत बयानबाजी की थी। इसलिए वह की कह रहा कोई की नहीं कह रहा उहदा कोई मायने नहीं। अकाल तख्त साहब के मौजूदा जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और उस तो बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब और थोनू ये रिकॉर्ड की गल पता है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपन केड़िया सरावं ऑलरेडी सरकार के डीसी साहबाना दस चुके सरकार दस चुके अज भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल साहब बिकॉज दुखदाई गल है उन्होंने मिसेज पूरे हो गए नहीं तो इस गल उन्होंने फिर स्पष्टीकरण कर देना सी उन्होंने चार दिन पहला भी इतने बयान दिता। इसलिए यह होछी राजनीति इररिस्पोंसिबल अपनी कमी पेश शुकर है बाहर तो निकले इन्हों का दर्शन नहीं हो रहे किसी वजीर के कि लुके कितने बैठे किड़े खुड च वड़े बैठे मैं आप यही गल कह रहा जी मैं एक बार आंसर कर दें जी मैं आप यही गल कह रहा पहला इन्होंने इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने जिम्मेवारी फिक्स करने की कोशिश की महाराष्ट्र की अशोक चव्हाण जी जेडे इन्होंने मौजूदा मिनिस्टर ने नाल ही नवाब मलिक साहब जेडे अगेन सीनियर मिनिस्टर ने फॉर्मर सीएम ने अशोक चव्हाण जी ने उन्होंने पर्दाफाश किया कि करोना जे महाराष्ट्र च होया इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द संगत क्योंकि जब तक संगत इत्थे रह रही थी उद तक दो केसेस ही सन और जे किसी नूं प्रॉब्लम करोना की महाराष्ट्र च होंगी तो उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ पै जानी सी सवा महीने च और वो पुष्टि कर रहे हैं कि इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं जिहड़ी प्रॉब्लम हुई है वह अणगहली कि तुसी रेड जोन चो लैके गए फिर कित्थे कित्थे तुसी रुके जिहड़ा स्टाफ आया कि उन्हां दा करोना टेस्ट होया सी क्योंकि ड्राइवरां नूं तां आ के हुण क्वारंटाइन किया जी क्वारंटीन च पाया मतलब कि उन्हां दा टेस्ट ही नहीं किया सी पहला तुसी बगैर टेस्ट किए भेजते किसी डॉक्टर भेजते ने सी नाल कोई डॉक्टर भेजिया कोई टेस्ट किया नलायकियां अपनियां और हुण असीं नहीं पर्दाफाश कर रहे हुण तां इन्हां दे साथी कांग्रेसी महाराष्ट्र तो कर रहे सो आई थिंक आई डोंट नीड टू आंसर दिस। जी
पंजाब में कोरोना फैलाया है, ना कि नदेड़ के लोगों ने फैलाया है। बिल्कुल, मैं तो आप वही बात कह रहा हूँ कि जो बातें किसी ऑपोजिशन ने करनी थी वो बातें तो अब महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम नंदेड़ साहब, जिले के इंचार्ज सीनियर मिनिस्टर ने आप ही करती हैं कि महाराष्ट्र ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह निभाई। जे कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पंजाब सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और मैं दूसरी बात कर दूं, 1 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर यूपी गई है, बिहार गई है। आपने आज तक यूपी के या बिहार के सीएम के मुंह से ये बात सुनी है कि जिस जगह से वो आए हैं वो लोग जिम्मेवार हैं? दे आर ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हर बंदे को आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती है कि जैसी कोई एंटर करे उसको क्वारंटीन करो, उसको टेस्ट करो, अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको घर भेजो, पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन में डालो। ये गाइडलाइंस ही नहीं फॉलो, सब तो घर भेज दिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के जब आए थे वहां से, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हुए? नहीं हुए। एसी बस में लेके आए जो नहीं ले आने चाहिए थे, बस के शीशे नहीं खुलते थे, जो गलत है, अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स तो काम कर दिया। और उनकी जान आज खतरे में डाल के श्रद्धालुओं की अब ब्लेम गेम शुरू कर दिया। देखो वो बिल्कुल बात, और मैं बार बार कह रहा कि आज भी बेनती करना जी, पंजाब ते पंजाबियों के भले वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नू बेनती करना कि आप हेल्थ की जिम्मेवारी सामने, और बलबीर सिद्धू जी नू बेनती करना कि आ तरस करो, रहम करो पंजाबियों ते, साढ़े सारियां ते कम थानू आउंदा नहीं, इल कुकर की समझ नहीं, पढ़ाई लिखाई थोड़ी हिसाब की है, थोनू तो मैं लगता करोना की नहीं शब्द समझ आते होने की कह की दिता करोना बुला की है। थोनू बेनती है कि आ इस्तीफा दे दौ, कुर्सी ना चिंबड़ो, आप दिया नलायकियां दूजिया ते ना डालन की कोशिश। किसी हेल्थ मिनिस्टर नू, किसी मुख्यमंत्री नू तुसी अज तक सुनिया जेड़ा कवे कि हाँ मेरे सूबे के लोग वापस ना आओ? सारे कह रहे हाँ वी ओन रिस्पोंसिबिलिटी। और जे वापस आके कोई कमी पेशी आ रही है, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये भाई साहब तो कमरे के अंदर ताला ला के बंद होके अंदर बह गए, नज़र बंद हो गए। ये मिशन फतेह नहीं कर सकना, मिशन फेल हो रहा है और बुरी तरह फेल हो रहा है। और वह एक ही एक कारण है इन्हों की कमी पेशियां, हेल्थ मिनिस्टर की अगवाई। देखो संगत नूं वापस लियाउणा साडी जिम्मेवारी है जी। असी तां अज भी कहिंदे आ कि असी आपदी जिम्मेवारी नूं ओन करदे आ कि हाँ असी गए अमित शाह जी कोल, गए असी हर जगह इस गल की जिम्मेवारी चुकी कि साडे पंजाबी आ, साडे भरा भैण आ, साडे महान तख्त श्री हजूर साहब च वह मत्था नतमस्तक होण गए सन, 1.25 महीना हो गया, संगत मुड़ना चाहुंदी, साडी जिम्मेवारी है उन्हां नूं वापस लियाउणा। और असी अज भी नहीं भज रहे जिम्मेवारी तो, जे सरकार अज भी कह दे कि साढ़े बस का रोग नहीं, असी सेवा संभाल तो हर चीज़ उन्होंने करने तैयार है। और कई गुरसिख आप दी जिम्मेवारी निभाने तैयार है। दुनिया भर च गुरसिखा की लंगर भावना, सेवा भावना की शिफ्ट हो रही है। और अफसोस की गल है कि पहला NRI के खिलाफ तो हूँ गुरसिखा के खिलाफ, गुरु के सिख जिहड़े श्रद्धालु आए हैं तख्त श्री हजूर साहब के खिलाफ, कांग्रेसी दे लीडर 10 जनपद तो साजिशां शुरू हो गई ने। दिग्विजय सिंह का की मतलब है जी इत्थे टिप्पणी करना? हू द हेल इज ही एक्सेप्ट अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द गांधी फैमिली, नोबडी एल्स। असी उन्हूं मनदे कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं जी कि साडे भरा भैण ने जी, और साडी पंजाब दी ओ जिम्मेवारी है सरबत दे भले दी अरदास करन वाले तख्त श्री हजूर साहब च नतमस्तक होने वाले चप्पे चप्पे च जिथे साहिबे कमाल दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण पे होण, उस धरती नूं चुम्मन वास्ते, नतमस्तक होने वास्ते, सिजदा करने वास्ते
दुनिया भर तो लोग जाते हैं, सानू मान है उस धरती ते। अज उस धरती नू जां उत्थों दी जिहड़े चरण परस के जां मिट्टी मत्थे ते ला के धूड़ मत्थे ते ला के जिहड़ी संगत मुड़ी आ जो उहनू बदनाम करन दी जिहड़ी कोशिश आ उह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। असीं उहदे सख्त खिलाफ हां। मैं कहना सेवा कर लैन, मैं उन्होंने तदे बेनती कर रहा सेवा कर लैन, यह बयान देने बंद कर नॉनसेंसिकल जे। कदे कह दें कि जी आ पानी फेरता हजूर साहब की संगत, कहड़ी पानी फेरता जी, तू बड़े केड़ा काम बड़ा तगड़ा कर रहा सी। जेड़े बंदे नू आप दे शराब दे ठेके चलाउण तो वेल नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर की करूगा, की काम है वह? डजन अंडरस्टैंड द ए बी सी, हेल्थ दे एच दी उहनू समझ नहीं, मेडिकल दे एम दी उहनू समझ नहीं, वह इत्थे सलाह दे रहा सारी दुनिया नू। हू द हेल इज ही? ये फालतू की टिप्पणी बंद कर दें, नॉनसेंसिकल गल्लां ही बंद कर दें। तुसी आप दी यार लीड फ्रॉम द फ्रंट, टेक रिस्पोंसिबिलिटी, ब्लेम गेम तो हटो, जिम्मेवारी चुको। नहीं चुकना चाहते थे हट जाओ, लांबे को साडे वास्ता रोग नहीं, असी जिम्मेवारी संभालने तैयार है। समुचा श्रोमणी अकाली दल सिख जथेबंदियां सारे संभालने तैयार। कल मीह पिया जी रज के माझे च, कई लोगों नू बाहर कमरे च एक छत सी। देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं, मगर गुरसिख की भावना समझो, वह कित्थे रहना चाहुंदा। वह आप दी वीडियो चढ़ा रहे हैं, वह साडियां चढ़ाइया तो नहीं। कल रात कहिंदे मच्छरां च पानी च कोई प्रबंध नहीं, चीकां निकल गईं, क्यों नहीं तुसीं उहनां नूं सरावां च दे रहे जब सारे कह चुके कमरे कल्ले 6000 कमरा, यूटिलाइज दैम। दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सारे कह चुके। अखीर च पटियाले च की होया, एक जगह च पाए, उत्थों सेवादार भज गए, फिर उन्हां नूं दुख निवारण साहब लैके जाना पिया, और संगत की भावना तुसीं सुन ली। क्यों ये जे तू तू मैं च पै रहा? ओन योर रिस्पोंसिबिलिटी एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये सब की लड़ाई है, साडी सांझी लड़ाई है। हाँ, सही काम नूं सही कहांगे। मुख्यमंत्री साहब का पहला मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने दूरअंदेज फैसला लिया कि इन्होंने करफ्यू लाता, दैट वॉज वन थिंग। उस तो बाद सारे फैसले फेल। जिहड़ी काम चंगा किया मैं अज भी कहना, मगर वो फॉलोअप भी तो करना सी। फॉलोअप चंगा हों, अज मैं फिर चंगे सिफ्ट करता कि थोड़ा फॉलोअप भी चंगा सी। डैथ रेट थोड़ा ज़्यादा, एंबूलेंसा सारे पंजाब से थोनू पता जी, वेंटिलेटेड एंबूलेंस है कि दो, प्राइवेट तौर पर 100 सारे वेंटिलेटेड वेंटिलेटर किन्ने बैड से सरकारी से 100 अद्धियां नूं चलाउण लई है नहीं, अद्धे चलते नहीं। मतलब असलियत समझो, कीता की है सवा महीने च, सवाए ये जिम्मेवार है वह जिम्मेवार है। तुसीं तां बड़े चंगे हो, फिर चंगा काम कर दिओ, लोग आपे सिफत करनगे। देखो इन्हां कमी पेशियां की मैं गल कर रहा जी, स्कूल कॉलेजां च तां पहलां ही बाथरूमां दे रौले न्याणे पाउंदे हुंदे सन, कमरे नहीं होने, पखे नहीं चलने, ये रौले तां एजुकेशन दे समें च जदों ऑल वॉज वैल उदों रौला पैंदा सी। हुण उत्थे एक बाथरूम ते 300-300 बंदा, किते टूटी नहीं चलदी, किते पानी नहीं आउंदा, किते फ्लश नहीं चलदा, किते पीण वाला पानी नहीं। ये हर कॉरन टीन जिथे किथे उत्थे हर जगह का रौला पै गया। और गाइडलाइनस फॉलो करो, गाइडलाइनस दी तजिया ना उड़ाओ। अज भी मैं बेनती करदा कि प्रधान साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी भी कह चुके हैं, जहेदार साहब अकाल तख्त साहब दे भी कह चुके हैं कि संगत नू, गुरु की संगत नू, गुरु की लाडली संगत नू जिहड़ी हजूर साहब तो परती है, उन्हां नू जिहड़ियां सरावां ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जे उत्थे 6000 कमरा अवेलेबल है, उत्थे दे दिओ, असी सेवा भी करांगे, संभाल भी करांगे, और लिख के एफिडेविट देवांगे कि जे सानू करोना हो गया असी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार नहीं होती।